हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ हैप्पी लाइफ। फ्रेंड्स, अभी मैं रात के खाने की तैयारी करने वाली हूँ, तो लेकिन उसके पहले मसालेदानी में मसाले खाली हो चुके थे, तो मैं सारे मसाले अभी भर दूंगी, क्योंकि मेरे वीडियो में टाइम पे अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। बच्चों की अभी एग्ज़ाम चल रही है, इस वजह से किचन में मैं हो सके उतना कम वक्त देती हूँ और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देती हूँ। तो अभी जब भी किचन में कुछ कम खाना बनाना होता है, तभी मैं ऐसा जो एक्स्ट्रा काम किचन का होता है वो भी मैं हाथों हाथ पूरा कर लेती हूँ। तो अभी मैंने सारे मसाले निकाल दिए हैं मसालेदानी में, और सारी जो बॉटलें हैं उसे भी मैं अच्छे से पोंछ के रख दूंगी, मसालेदानी को भी अच्छे से पोंछ दूंगी, और साथ ही साथ मैं किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी, ताकि मेरा सारा काम जल्दी जल्दी से पूरा हो जाए और मैं कम वक्त किचन को दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैं अपने बच्चों के पीछे लगा सकूँ। और बच्चों को भी अच्छा लगता है, ऐसे हम जब भी बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने की कोशिश करें। तो अभी देखिए, मसाले निकालने के बाद मैंने बोतलें भी अच्छे से पोंछ दी थी, मसालेदानी को भी पोंछ दिया है और किचन को भी क्लीन कर दिया है। आज सब्जी में आलू और टमाटर की बनाने वाली हूँ, ये मेरे परिवार में सबको बहुत पसंद आती है और ये सब्जी हम चावल के साथ खाएंगे, इसीलिए ये सब्जी मैं रसे वाली बनाऊंगी। तो आलू टमाटर की सब्जी बनाने के लिए मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल गरम होते ही उसमें राई और जीरा डालना है। राई जीरा जैसे ही हमारा फूटने लगे, इसके अंदर हमें हींग पाउडर और हल्दी पाउडर डाल देना है, और इसमें हमने जो सब्जी काट के रखी थी आलू टमाटर की उसे डालना है, और साथ ही में मैंने कड़ी पत्ता भी डाल दिया था। और मैंने टमाटर देसी लिए हैं, जिससे ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और सब्जी को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें जो मसाले बचे थे, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल के इसे अच्छे से हमें मिला देना है, और जितना आप गाढ़ा पतला रसा करना चाहते हो उस हिसाब से पानी डाल दीजिए, और इसे अच्छे से मिलाने के बाद 3 विसल होने तक सब्जी को पका लेना है। ये सब्जी ना खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आप रोटी पराठे के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हो। तो अभी सब्जी पक रही है, तब तक मैंने साथ ही साथ चावल को भी अच्छे से धो के उसका पानी निकाल के रख दिया था। तो चावल को अभी मैं 1 चम्मच घी में अच्छे से भून लूँगी। इस तरह से अगर आप चावल पकाओगे ना, तो चावल में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और चावल खिले खिले बनते हैं। तो अभी ये घी के अंदर मैंने चावल को अच्छे से भून लिया है, और इसमें आवश्यकता अनुसार मैंने पानी डाल दिया है, और चावल को अभी मैं पकने के लिए रख दूँगी। 1 कटोरी अगर चावल है तो आप इसके अंदर 2 कटोरी पानी डालिए, बहुत ही अच्छे खिले खिले चावल बन के तैयार होते हैं। लेकिन चावल अगर ज़्यादा पुराने हैं तो थोड़ा पानी ज़्यादा लेंगे, तो आप उस तरीके से पानी इसमें डालिए। और मैंने थोड़ा सा नमक डालने के बाद चावल को पकने के लिए रख दिया है। अभी जब तक सब्जी और चावल पक रहे हैं, तब तक मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा वक्त बिता लेती हूँ। मेरा रोज का यही रूटीन होता है, क्योंकि खाना में जो एग्ज़ाम चालू होती है उस वक्त ऐसा खाना पसंद करती हूँ बनाना कि कम वक्त किचन में दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बच्चों को दूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चों के साथ पढ़ाई की ही बातें करें, हम बच्चों को इस तरीके से वक्त हमें देना चाहिए जिससे बच्चों का माइंड एकदम फ्रेश हो जाए और बच्चे हमारे साथ हो सके उतना वक्त बिताए, और उनका माइंड जितना फ्रेश रहेगा उतनी ही उनकी एग्ज़ाम के पेपर जो है ना वो बहुत ही अच्छे जाएंगे, ये मेरा अनुभव है। अगर आपका कैसा अनुभव है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो बस इसी तरह से मैं बच्चों के साथ वक्त बिता दूंगी, और जैसे ही खाना हो जाएगा तैयार बनके, मैं बच्चों को पहले खाना खिला दूंगी और उन्हें हो सके उतना जल्दी मैं सुलाने की कोशिश करूंगी, ताकि दूसरे दिन बच्चे बहुत ही जल्दी उठ जाए और उनका माइंड एकदम फ्रेश हो जाए। फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलती हूँ, बाय बाय।